आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सजाने का, संवारने का, खुशहाल बनाने का, प्रेम भरने का और तुम्हारे रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने का एक विधिवत साधन है। हम पिछले 20 सालों से लगातार, निरंतर, बार बार आपके जीवन को सुलभ बना रहे हैं। शादी के पहले, शादी के बाद की आने वाली हर समस्या का समाधान, वो चाहे कोई भी समस्या हो, विवाह नहीं हो रहा हो, विवाह मनचाहा हो, विवाह नहीं चल पा रहा हो, विवाह के बाद की कोई समस्या हो, पारिवारिक कोई दिक्कत हो, उन सारी की सारी बातों पर हम रोज नित्य एक वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, उपनिषदों से निकालकर आपके सामने एक सरलीकरण से उपाय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। अगर आपको एक ही रात में अपना काम करा लेना है, अगर आपको कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में अपने काम का फल चाहिए, अगर आप अपने काम में बहुत जल्दीबाजी चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि आपका प्रेम, आपका रिलेशनशिप, आपका पारिवारिक लाइफ, आपका दाम्पतिक और मैरिटल लाइफ, कहीं पर भी कोई भी समस्या रातों रात ठीक हो जाए, तो आप एक छोटी सी सामग्री अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाइए और सुबह जब आप उठेंगे तब तक आपका काम हो चुका होगा। आपका स्वागत कर रहा हूं आज एक नई व्यवस्था के साथ। आज आपको लेकर के चल रहा हूं एक ऐसी पारंपरिक व्यवस्था के साथ जिसको हम लोगों ने सदियों से फॉलो किया है। आज हम पारंपरिक रूप से एक अद्भुत व्यवस्था आपके सामने साझा कर रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं कि जो रात्रि में जब आप विश्राम करते हो, जब आप सोते हो, तो आपके आसपास बहुत सारी अदृश्य शक्तियां वर्क करती हैं, काम करती हैं। उसी वजह से आप सोते समय स्वप्न में जाते हैं, उसी वजह से सोते समय आपका शरीर रिलैक्स होता है, उसी वजह से आप फिर से रिचार्ज हो पाते हैं, उसी वजह से आप फिर से उसी एनर्जी के साथ उठते हैं जैसे एक दिन पहले आप एनर्जेटिक थे, आप पूरे दिन फिर काम कर पाते हैं। शयन करने से आपको एनर्जी आती कहां से है, आप फिर से कैसे रिफ्रेश हो जाते हैं, आप फिर से कैसे रिचार्ज हो जाते हैं, वो शक्तियां कहां से भर जाती हैं आप में, वो सारा का सारा गूढ़ रहस्य आपके रात्रि कार्य में है। ये सारा का सारा चंद्रमा काल में ही होता है, क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव के भाल कपाट पर रहता है, वो चंद्रेश्वर भगवान है, वो ऐसे देवता है जिनका दिन सोमवार को ही आता है जो दिन चंद्रमा का है। तो चंद्रमा नौ ग्रहों में प्रेम के लिए सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र के बाद अगर किसी को हम प्रेम के लिए देखते हैं तो चंद्रमा को देखते हैं। आज हम कह रहे हैं कि ये छोटी सी सामग्री अगर आप अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाते हैं तो प्रातः जब आप उठेंगे तब तक आपका कार्य कंप्लीट हो चुका होगा और आपको अपना बेनिफिट मिल चुका होगा। आप रातों रात एक ही रात में अपनी सारी की सारी व्यवस्थाओं को, अपने मनोरथ को, अपने रिलेशनशिप को, अपने लव को, अपने प्रेम को ठीक कर पाएंगे। ये अदृश्य शक्तियां जो आपके आसपास काम करती हैं, ये कोई छोटी मोटी शक्तियां नहीं है, ये पूरा का पूरा एक लोक है। जरा आप विचार कीजिए कि सोने के बाद आप जाते कहां हैं, आंखें बंद करके हो क्या जाता है। आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है कि नींद में होते हैं हम, वो नींद मतलब क्या, प्रैक्टिकली बताने की कोशिश कर सकते हैं क्या, नींद मतलब क्या होता है। आपका चेतन और अचेतन मन, दिमाग, बुद्धि सिंक हो जाते हैं क्या, आप बेहोश हो जाते हो, फिर होश में कौन लाता है। आप शरीर में होते हो या नहीं होते हो, अगर होते हो तो तुम्हारे आसपास कुछ भी हो रहा होता तो तुम्हें पता क्यों नहीं चलता, और अगर नहीं होते हो तो सांसें कैसे चलती, ये बड़ा रहस्य है। ये इस रहस्य के ऊपर बहुत सारे वेदांगों में, उपनिषदों में बड़ी कथाएं लिखी हैं और इसके ऊपर बहुत
सारा कुछ समझाया और बताया गया है, इसको समझने के लिए सालों लग जाएंगे आपको। आप तो बस शॉर्टकट में इस बात को समझ लीजिए कि ये एक ऐसी अद्भुत चमत्कारी व्यवस्था है जिसे करके आप त्वरित लाभ पा सकते हो। रात्रि में की हुई साधना वैसे भी अधिक फलदायी होती है। जितनी भी हठ योग की साधनाएं हैं वो सब रात्रि काल में की जाती हैं। जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं हैं वो सब रात्रि काल में की जाती हैं। जितनी भी आपकी सकाम पूजाएं हैं वो सब मैक्सिमम रात्रि में की जाती हैं। 10 महाविद्याओं में से मैक्सिमम महाविद्याओं की साधना रात्रि काल में की जाती है, अहोरात्रि में की जाती है, मध्य रात्रि में की जाती है, निशा रात्रि में की जाती है। साधनाओं का अद्भुत फल प्राप्त होता है लोगों को ऐसा करने से। लेकिन आप उतने बड़े साधक नहीं है, आप के पास उतनी साधना सामर्थ्य नहीं है कि आप सालों बैठ के साधना कर सके। आपके पास उतना मंत्र विज्ञान की भी जानकारी नहीं है। आप सामाजिक लोग हैं, आप सांसारिक लोग हैं, आपको काम करना है, अपना ध्यान देना है, परिवार पालना है और बहुत सारे काम करने हैं। इसलिए मैं वो सारे के सारे रहस्य को निचोड़ कर एक छोटे से चम्मच में तुम्हें दे रहा हूं, जैसे मानो कि बहुत सारे दूध से घी निकाल के आपको दे रहा हूं। समुद्र मंथनम कृत्वा हरे लक्ष्मी हरे विषम भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। हां जी, ये एक ऐसा मंथन है जिससे तुम्हारे भाग्य और प्रारब्ध में वृद्धि होगी। आपका भाग्य कपाट में वो लिख दिया जाएगा जो तुम चाहते हो। बस आवश्यकता है तुम्हारी श्रद्धा विश्वास की। और देखो, हम तुम्हें रोज कुछ अच्छी चीज बताते हैं ना, तुम क्यों भटक रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो ना, सबको फायदा हो रहा, तुमको क्यों नहीं होगा? इतनी सारी दुनिया आपको फायदा मिल रहा है, तुम्हारे लिए क्या क्या ऐसी चीज तुम्हें नहीं मिल सकती? एक बात ध्यान रखना, उस परमेश्वर से बड़ा कोई है नहीं विश्व में। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है और किसी से भी आपको झुकने की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं श्रेष्ठ हो। अपनी श्रेष्ठता को आवाहित करो, अपनी श्रेष्ठता को उत्पन्न करो और अपनी श्रेष्ठता को बढ़ाओ। बहुत हो गया दूसरों के सामने हाथ पैर जोड़ना। हम अपनी श्रेष्ठता क्यों नहीं बढ़ा सकते जब हमारे शरीर में सारे देवता हैं, हमारी भी आत्मा में परमात्मा है, हमारे अंदर भी वो सारे के सारे सामर्थ्य परमात्मा ने देकर के भेजा है, तो हम स्वयं क्यों नहीं? क्यों तुम किसी को महामहापाध्याय बना रहे हो? क्यों तुम गली के कूचों को गुरुजी बनाने में लगे हुए हो? भाई, आपको पता है YouTube पे कई लाख गली कूचे के झाड़ू से निकले हुए कुछ कूड़े ऐसे, वो भी गुरुजी बन गए साहब। इतनी कृपा मत करो आप तो भगवान से भी ज्यादा कृपालु हो। इतनी कृपा करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तुमको खुद को ही। अपनी कृपा उन पर ही बरसाओ जहां आवश्यकता है। तुम बना सकते हो किसी को भगवान, इसमें कोई संदेह नहीं। तुमने बनाए हैं बहुत सारे भगवान। तुम किसी को भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, किसी को कुछ भी बना सकते हो, तुम्हें वो सामर्थ्य है। जब तुम भगवान बना सकते हो तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले ले लेते हैं एक वॉइस मैसेज प्लीज। हेलो, मैं सुषमा गुरुजी, मैं उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहती थी। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ मुझ में बहुत चेंज आया है गुरुजी। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू करती हूँ मैं आपका। आप जो छोटी छोटी बातें बताते हो गुरुजी, मैं उन सबको फॉलो करती हूँ। जैसे जल को प्रणाम करके पीना है और कई सारी छोटी छोटी बातें, मैं उन सबको फॉलो करती हूँ। आपके वहाँ मेरी पूजा चल रही है गुरुजी। पूजा के दौरान आप बोलते हो रोना, बिलखना, परेशान होना, ये सब मत करना, इससे हमारे 21 दिन खराब होते हैं। तो जब भी गुरुजी मुझे रोना आता है तो मुझे आपकी बातें याद आ जाती हैं और मैं उनको याद करती हूँ, तो उनसे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है गुरुजी। गुरुजी अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखना हमेशा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तुम इतना अच्छा बोलते हो और भी वर्ड कम है, इससे ज्यादा मत बोलना। बहुत अच्छा बोलते हो आप।
आपको और खुशियां मिले और प्रसन्नता मिले, तुम बहुत 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 खुशहाल रहो, तुम्हारे जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आने पाए, बहुत आशीर्वाद, परमात्मा आपको खुशहाल रखे। तो आज मैं कह रहा हूं कि ये सामग्री आपको अपने तकिए के नीचे रखनी है और सुबह जब आप उठेंगे तो आपका काम कंप्लीट हो चुका होगा। अब आपको करना बहुत सामान्य काम है, एक व्हाइट पेपर में पहले 1, 2, 3, 4 लाइन खींच दीजिए, फिर वैसे ही 1, 2, 3, 4 लाइन खींच दीजिए, 4 लाइन ऊपर 4 लाइन नीचे। तो जब आप 4 लाइन खींचेंगे तो 1, 2, 3, 4 यानी 3 खाने बन जाएंगे ना 4 लाइन खींचने पे, पहले लाइन दूसरे पे 1 बना, तीसरे पे 2 बने और चौथे पे 3 बने, तो 3 खाने इधर 3 खाने इधर बन जाएंगे। अब आपको जो नंबर्स उसमें डालने हैं वो ध्यान से सुनिए, मैं वो बना बना के बताना वो सब बहुत पाखंड है, ऐसा कुछ मत करिए। कोई भी यंत्र बिना किसी कारण के निर्माण नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आपको बना के नहीं दिखाता, दोष लगता है, किसके लिए बनाऊं। अनावश्यक कोई भी काम दिखाने और बताने समझाने के लिए भी नहीं करना चाहिए। 3 खाने ऊपर 3 खाने नीचे, आपको समझ तो आई गई, ऐसे भी 3 ऐसे भी 3 है ना, 4 लाइन इधर खींच दो 4 इधर खींच दो, कितनी सीधा तरीका है, कुछ तो नहीं करना। अब इन तीनों में आपको उल्टी संख्या लिखनी शुरू करनी है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 या आप उल्टी संख्या लिख दीजिए पूरी तरह से, हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिखिए कोई समस्या नहीं। अब आपको हर जितने भी आपने खाने बनाए हैं वो 9 खाने टोटल मिला करके 9 खाने हैं और आपकी 10 इंद्रियां होती हैं और खाने 9 हैं। तो आपको सबसे पहला करना है अपने अंगूठे से रोली या सिंदूर से उस चौकोर खाने के ऊपर साइड में ऐसे एक लाइन खींच दे अंगूठे के प्रयोग से, बाकी बची हुई सारी 9 उंगलियों से हर उंगली से एक एक खाने पर टीका करना है, यानी आपके इन पोरों पे जो भी शंख पद्म बने हुए हैं वो वहां पर छप जाएंगे, ये भाव है। समझ आया, गहरी बात बता रहा हूं आज, बहुत गूढ़ रहस्य आपके सामने ऐसे ही उड़ेले दे रहा हूं कि आप सरलीकरण से कर पाए, और उसके बाद इसको रैप करके बंद कर दीजिएगा, इसको छोटा सा बना दीजिएगा और ब्लैक धागे से इसको पूरा बांध दीजिएगा अच्छे से टाइट, एक नींबू के साथ करके इसे तकिए के नीचे रात्रि में रख लेना है, रात भर आराम से शयन करिए, कोई भी अच्छे बुरे स्वप्न आए उससे कोई डरिएगा भयभीत मत होइएगा, क्यों, क्योंकि आप कुछ शक्तियों को आवाहित कर रहे हैं और कुछ शक्तियों को काम पे लगा रहे हैं। एक बात का सिर्फ ध्यान रखना है कि जब आप ये रख रहे हो तो अपनी इच्छा अपना मनोरथ कहते हुए तकिए के नीचे दबाइएगा, जैसा कि आप किसी को चैलेंज कर रहे हैं कि ये काम कर देना, किसी को अंडर टेबल कुछ देते ना बोलते ये काम कर देना यार भाई, वैसे ही तकिए के नीचे दबाते हुए बोल करके दबाना है। फिर ध्यान रहे उसी तकिए पे आपको सोना है, जब आप सुबह उठेंगे उठते ही सबसे पहला काम करना है कि उस नींबू को अपने से 3 बार उतार करके काट देना है और ये पूरी की पूरी सामग्री कहीं बाहर फेंक देनी है। जितनी सुनसान जगह होगी, जितनी ऐसी कोई जगह हो, कोई बंद प्लॉट वॉट पड़ा हो वहां भी डाल सकते हो, जितनी सुनसान जगह होगी उतना ज्यादा काम करता है ये उपाय, ऐसा करने से आपको त्वरित लाभ होता है। ये तुम्हारी उंगलियों पे जो रेखाएं हैं ना, इन पे शंख चक्र पद्म कुछ बना हुआ होता है हर किसी के, वो उसमें छप जाएंगे और रात्रि में उन शक्तियों के द्वारा वो पढ़े जाएंगे और उनमें परिवर्तन करके आपके काम को किया जाएगा। ये बहुत अद्भुत प्रयोग है, इसे यदि किसी भी तौर पर शनिवार मंगलवार रविवार में किया जाए तो इसकी शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। करिए ये उपाय, खूब आनंद से करना, खूब श्रद्धा विश्वास से करना, अपना बहुत ध्यान रखने की कोशिश करना, रिश्तों में पैसों का आदान प्रदान नहीं किया जाता, किसी भी तरह से प्रीवियस बातें नहीं बताई जाती, किसी भी तरह से अपनी कोई भी गलतियां नहीं
दर्शाई जाती, अपने घर परिवार वालों की बुराइयां नहीं की जाती, खूब पानी पिया जाता है, अपने को सुंदर बनाया जाता है, मुस्कुराया जाता है और हर हाल में अपना ध्यान रखा जाता है। तुम हो तो सब है, अपना ध्यान रखिएगा। भगवान शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित और वैभवशाली बनाए, आपके जीवन में खूब सारा प्यार भरे। भाई बाबा ओम नमः शिवाय।